आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले ही अब यहाँ पर सभी टीमों ने मेगा ऑक्शन की और आईपीएल 2022 के एडिशन की तैयारियां शुरू कर दी। इसके साथ ही सभी 8 टीमों ने अब आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए अपनी नई जर्सियां लॉन्च कर दी। ये बता दिया है कि आखिर किस तरीके की जर्सी में आईपीएल 2022 के एडिशन में अब ये टीमें खेलती हुई दिखेगी। मैं इस वीडियो में आपको सभी आईपीएल टीमों के आईपीएल 2022 के एडिशन की नई जर्सीज बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम ने अपनी जर्सी में बदलाव किया और किस तरीके की जर्सी में आखिर टीमें आईपीएल 2022 का एडिशन खेलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 टीमों के आईपीएल 2022 के एडिशन की जर्सी की। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो सीएसके की टीम ने अब आईपीएल 2022 से लेकर 2024 तक अपनी नई जर्सी रिवील कर दी, जहां पर आप अपनी स्क्रीन पर इस टीम की नई जर्सी देख पा रहे होंगे, जहां पर एमएस धोनी की कंपनी सेवन ने इस जर्सी को डिजाइन किया, इस जर्सी को बनाया। इसके साथ इस जर्सी के फ्रंट में हमें यहां पर टीवीएस कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा। तो कुल कर इस येलो कलर की जर्सी में आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें सीएसके की टीम आईपीएल खेलती हुई दिखी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो एमआई की टीम की जर्सी को यहां पर फेरोमैक्स नाम की कंपनी ने तैयार किया। इस कंपनी ने इस जर्सी को डिजाइन किया। आप अपनी स्क्रीन पर इस टीम की लेटेस्ट जर्सी देख पा रहे होंगे, जहां पर फ्रंट में हमें सैमसंग का लोगो दिखेगा, जबकि बैक में हमें डीएचएल कंपनी का लोगो दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से अब एमआई की टीम की जर्सी रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की टीम की, तो बेंगलुरु की टीम को यहां पर पूमा की कंपनी ने यहां पर इस टीम की जर्सी को डिजाइन किया, इस टीम की जर्सी को बनाया है। और यहां पर फ्रंट में हमें मुथूट फाइन ग्रुप का इस टीम का यहां पर लोगो इस टीम की जर्सी में हमें देखने को मिलेगा, और इस टीम की जर्सी के बैक में हमें डीपी वर्ल्ड का यहां पर लोगो देखने को मिलेगा। यह टीम अपने 13 मैचेस में यहां पर रेड ब्लैक जर्सी का प्रयोग करेगी, जबकि एक मैच में यह टीम ब्लू कलर की जर्सी का अब आईपीएल 2022 के एडिशन में ये टीम प्रयोग करेगी। कुल मिलाकर ग्रीन जर्सी की जगह ब्लू जर्सी का अब ये टीम प्रयोग करेगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कोलकाता की टीम की, तो केकेआर की टीम को यहाँ पर विराट कोहली कंपनी रोंग एक्टिव ने यहाँ पर डिजाइन किया। कुल मिलाकर रोंग एक्टिव कंपनी ने केकेआर की टीम की जर्सी को बनाया है, और इस टीम की जर्सी के फ्रंट में हमें एमपीएल का लोगो देखने को मिलेगा, जबकि इस टीम की जर्सी के बैक में हमें अन अकेडमी का लोगो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अब एक बार फिर से नए स्पॉन्सर के साथ इस टीम ने नई जर्सी डिजाइन करी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम की जर्सी को यहाँ पर टाइगर स्पोर्ट्स ने तैयार किया। कुल मिलाकर टाइगर स्पोर्ट्स कंपनी ने इस जर्सी को तैयार किया, जहाँ पर फ्रंट में हमें जेके लक्ष्मी सीमेंट का लोगो देखने को मिलेगा, जबकि बैक में हमें रालको टायर्स कंपनी का यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हैदराबाद की टीम के स्पॉन्सर में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ पिछले साल के स्पॉन्सर्स के साथ, ये टीम आईपीएल 2022 के एडिशन में कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जर्सी को भी यहाँ पर विराट कोहली की कंपनी रोंग एक्टिव ने डिजाइन किया है। कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीमों की जर्सी को यहाँ पर विराट कोहली की कंपनी ने यहाँ पर डिजाइन किया। दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी के फ्रंट में हमें JSW का लोगो देखने को मिलेगा। 2024 तक इसी कंपनी का लोगो इस टीम की जर्सी पर रहेगा, जबकि इस टीम की जर्सी के बैक में हमें एग्जिप कैश नाम की कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये दो कंपनी के लोगो इस टीम की जर्सी में रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान की टीम की, तो राजस्थान की टीम को यहाँ पर 21 स्पोर्ट्स कंपनी ने यहाँ पर इस टीम की जर्सी को डिजाइन किया, इस टीम की जर्सी को तैयार किया है, और इस टीम की जर्सी के फ्रंट में हमें TV9 का यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा, जहाँ पर पिछले साल दुबई एक्सपो का लोगो था, लेकिन इस आईपीएल एडिशन के लिए अब इस टीम के स्पॉन्सर में बदलाव हुआ है, अब TV9 का लोगो हमें देखने को मिलेगा, और बैक में हमें यहाँ पर BKT कंपनी का यहाँ पर लोगो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान की टीम नए स्पॉन्सर के साथ आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें खेलती हुई दिखेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब की टीम की, तो पंजाब की टीम की जर्सी को यहाँ पर T10 स्पोर्ट्स ने यहाँ पर तैयार किया, T10 स्पोर्ट्स नामक कंपनी ने तैयार किया है, और इस टीम की जर्सी में भी 2024 तक हमें यहाँ पर फ्रंट में एबिक कैश नाम की यहाँ पर कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा, जबकि बैक में हमें BKT कंपनी का लोगो देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से अब सभी टीमों का आईपीएल 2022 के एडिशन में
स्पॉन्सर्स या फिर जर्सी आ रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको सभी 8 टीमों में से आखिर कौन सी टीम की जर्सी सबसे बढ़िया लगी और कौन सी टीम की जर्सी आपको सबसे बेकार लगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।